अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम तफहीम अबारत की मश्क करेंगे। चलें इसको देखते हैं। दी गई अबारत को बगौर पढ़ते हुए मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात दें। याद रहे स्टूडेंट्स, हम दिए गए पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करेंगे और उसके बाद दिए गए सवालात के जवाबात लिखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। किसी पहाड़ की चोटी पर एक अकाब रहता था। पहाड़ के करीब दरख्त पर एक कौवे का घोंसला था। कौवा अक्सर सोचता था कि काश वो भी एक अकाब होता। एक दिन कौवे ने देखा कि अकाब उड़कर नीचे आया। वो भेड़ के नन्हे से बच्चे पर झपटा और उसे अपने पंजों में दबा कर उड़ गया। कौवा ये देखकर दिल में कहने लगा, मुझे भी इस तरह करना चाहिए। ये सोचकर वो भी उड़ा और भेड़ के एक बच्चे पर आ बैठा। कौवे ने अपने पंजे उसकी ऊन में जमा दिए। इसने जोर लगाया और अपने पर फड़फड़ाए, लेकिन वो इसे उठा ना सका। जी स्टूडेंट्स, अब हम इन सवालात के जवाबात इस पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखेंगे। चलें सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। चोटी पर कौन रहता था? जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अभी रीडिंग में पढ़ा है, चोटी पर एक अकाब रहता था। चलें इसका जवाब लिखते हैं। चोटी पर एक अकाब रहता था। लास्ट में हम खत्मा लगाएंगे। चोटी पर एक अकाब रहता था। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, कौवा किस पर बैठा था? जी स्टूडेंट्स, हमने अभी रीडिंग में पढ़ा है कि वो उड़कर भेड़ के एक बच्चे पर आ बैठा। चलें इसका ये आंसर लिखा हुआ है, ये देखें। चलें लिखते हैं। कौवा भेड़ के एक बच्चे पर आ बैठा। लास्ट में हम खत्मा लगाएंगे। कौवा भेड़ के एक बच्चे पर आ बैठा। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब की निशानदाही करें। नंबर 1, दरख्त पर एक घोंसला था। काब का, कौवे का, चिड़िया का। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी रीडिंग में पढ़ा है कि कौवे का एक घोंसला था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर टिक लगाएंगे। नंबर 2, कौवे ने अपने डैश ऊन में जमा दिए। जी स्टूडेंट्स, देखते हैं, चूंच पर पंजे। जी स्टूडेंट्स, कौवे ने अपने पंजे ऊन में जमा दिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर टिक्का निशान लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।